हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज मैथ्स में स्वागत है। चलिए दोस्तों, SSC DLT के पेपर खत्म हो चुके हैं और सबके दिलों में एक हलचल सी चल रही होगी कि क्या करना, क्या नहीं करना, आगे कैसे तैयारी करना, आगे क्या करूँ ना करूँ। तो चलिए दोस्तों, इसके बीच में एक आपके लिए एक शांति का प्रस्ताव, आई थिंक मतलब मेरा कहने का मतलब है, मैं एक नॉर्मलाइजेशन का लेके आ रहा हूँ कि कितने मार्क्स रहने वाले हैं। फ्रेंड, आई विश्व आप 100% समझो कि ये आपको एक एडवाइस के रूप में दिया जा रहा है ताकि आप आगे क्या करो और पीछे ना करो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको पीछे लेके चल रहा हूँ फ्रेंड। पीछे लेके क्या चलना है कि आप देखो यहाँ पे कि 2018-19 का पेपर हुए थे, उसमें क्या हुआ था, टीयर वन का कट ऑफ रहा था। ठीक है, तो जनरल में जो फ्रेंड हमारे रहते हैं 80.6 के, ऑब्वियसली 75, ये 74 और ये 72 लगभग। तो क्या आप सोचोगे क्या इस बार भी रहने वाले हैं ऐसे? नहीं, इस बार कतई ऐसा नहीं रहने वाले। क्योंकि क्या, सबसे पहले समझो, इस बार जो फॉर्म गिरा है फ्रेंड, वो आपका लगभग गिरा है कि 60 से 70 लाख फॉर्म गिरा है। ठीक है ना, जिसके अगर देखोगे तो जो स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, एटलीस्ट 62-63% स्टूडेंट मात्र अपीयर हुए। अब यहाँ पे देखो बस्ती है कि 36%, जो 37% थे हमारे वो तो ऐसे चले गए है ना, छट के या फिर बैठे नहीं। इसके बाद जो स्टूडेंट आती है फ्रेंड, तो उसके बाद क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जो फाइटिंग हो रही है 50% में हो रही है। क्यों 50% में फाइटिंग हो रही है दोस्तों, इसका भी जान लो। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जिनके पहले पहले पेपर थे, वो अपीयर तो हो गए बट उनके आइडिया नहीं था। ठीक ना, साथ साथ वो उनके अंदर से इतनी ज़्यादा डर थी कि उनका तैयारी अच्छा रहते हुए वहाँ पर अच्छे से नहीं कर पाए। तो आप यहाँ से इतना हटा दो और 50% में फाइटिंग रखो। ठीक है, चलो अब आगे मैं बढ़ता हूँ, थोड़े से आगे लेकर के देखो कि पहले एग्जाम किस किस डेट में था और जानते हैं कि किस दिन सेफ्टिंग कैसी थी, कितने स्टूडेंट किस में एवरेज में गए। तो देखो दोस्तों, नवंबर में जो पेपर था आपका 16, 17, 18, 22, 23, 24, ठीक है, 25, 26, 29, 30, ये आपके जो रहे हैं पेपर, वो नवंबर के रहे। ठीक है, नवंबर शिफ्टिंग में। दिसंबर में क्या रहा, 1, 2, 3, ठीक है, फिर 6, 7, 8, 9, 10 और फिर 13, 14, 15। यहाँ पे फ्रेंड सैटरडे और संडे हमने देखा था, क्या था पता, कि बीच में बहुत सारे ने क्या किया था कि सैटरडे संडे को भी वीडियो अपलोड कर दिया किसी पेपर है। लेकिन फ्रेंड सैटरडे संडे को पेपर नहीं था SSC का, क्योंकि सैटरडे संडे हर जगह पे और बैंक की पेपर हो रही थी। ठीक है, ये आप गौर से देखना। उसके बाद अगर बचता है आगे कि देखो, अभी हमने एक चीज़ देखा है कि स्टूडेंट का अगर हमने एक रफ क्यूब करवाया था तो हमें पता चला है कि 50 से 60%, जो 50 से 60 मार्क्स के अंदर यानी वहाँ तक अटेम्प्ट करने वाले जो स्टूडेंट है वो हैं आपके 10%। ठीक है, इसलिए हमने कहा था वो फाइटिंग यहाँ नहीं हो रही। 60 से 70 के बीच फ्रेंड 39 रहे, यानी एवरेज अगर देखा जाए स्टूडेंट 60 से 70 गए। उसके बाद 70 से 80 करने वाले थे 25%, 80 से 90 के जो बीच का स्टूडेंट मतलब उन्होंने अटेम्प्ट किया है वो 19% रहे, और 90+7% दोस्तों। तो यहाँ से देखो आप एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि अगर कटअप देखी जाए तो दोस्तों, तो ज़्यादा जो आपका टच कर रहा है ना वो आपका यहाँ पर हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, 60 से 70 और 70 से 80 के बीच में, ये ज़्यादातर रहने वाले हैं। यानी यहीं पर स्टूडेंट ने अपना जो है ज़्यादातर दिमाग लगाया कह सकते हैं, फिर ज़्यादातर रहे हैं। तो आपके कहीं ना कहीं फ्रेंड जो घूमने वाला है कटअप यही रहने वाला है, 60 से 70 से 80 में जो। ठीक है, चलिए आगे थोड़े से बढ़ते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए यहाँ पे हमने किया है कि किस किस पेपर किस किस दिन क्या हुआ था। देखिए ये हमारा एक आंकड़ा है दोस्तों, जो हमने रिव्यू से लिया है हर जगह और इकट्ठा किया है, या फिर स्टूडेंटों के थ्रू जो हमारे भी कुछ स्टूडेंट थे उससे हमने पता किया कि किस तरह से पेपर हुआ था। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या है मैं इंडिकेट करता हूँ। देखो पेपर जो 16 तारीख के हुए थे, तो फर्स्ट शिफ्ट में क्या हुआ था, नॉर्मल हुए थे वो, फिर सेकंड में टफ हो गया था, और फिर ये मॉडरेट रहा था। मतलब एक कहते हैं हमने नॉर्मल क्या किया, जिसपे स्टूडेंट के आपके फेस पे हंसी आ जाइए हमने कर दिया। हार्ड जो कि स्टूडेंट को देख के पता चला कि यार बहुत टफ था, और मॉडरेट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं कह सकते बट है लेवल है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो 17 तारीख को क्या हुआ, नॉर्मल हार्ड हार्ड। ठीक है, अब यहाँ से पाओगे तो ज़्यादातर देखो क्या, देखो कि कुछ जगहें ऐसी है यहाँ पे देखो कि आपके सेकेंड शिफ्ट में ज़्यादा टफ दिख रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पे है ना, फिर आपका देखो यहाँ पे भी हमने मॉडरेट लिया, ये भी टफ ही मानोगे। ठीक है, ये भी देखो मॉडरेट, ये भी टफ ही मान सकते हो। ठीक ना, इधर देखो यहाँ पे फिर आपके ये टफ हो गए है ना, फिर आपके ये सारे लगभग टफ है, ये सारे के सारे आपका पेपर दिख रहा है जो कि सेकंड शिफ्ट में टफ है। अच्छा फर्स्ट शिफ्ट की बात करो तो देखो यहाँ पे एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है, फिर यहाँ दिख रहा है, ठीक है, एक यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे आ जाओ दोस्तों, तो यहाँ पे ये ठीक ना, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, और ये जो 13 से 15 के पेपर हुए थे ना वो लगभग बहुत टफ नहीं थे बट ठीक ठाक थे, हर दिन के अपेक्षा लास्ट लास्ट में थे, परेशान किया गया। लेकिन यहाँ पे जो पेपर थे ये साइड में थर्ड शिफ्ट में, ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, ये ठीक ठाक थे। ठीक है, बट ये वाला 20 वाला शिफ्ट में ज़्यादा टफ था। अब यहाँ आ जाओ देखो, थर्ड शिफ्ट में भी ये हाल था यहाँ पे। ठीक है, तो आप पा रहे हो कि कुछ जगह जो शिफ्टिंग है वहाँ पे टफ है, कुछ मॉडरेट है और कुछ इजी भी है, नॉर्मल है। तो यहाँ से आपकी एक चीज़ निकल कर गई दोस्तों कि जहाँ पे मान लीजिए कि टफ शिफ्ट में आए हैं ना, आज जो आपका मतलब नॉर्मल आया है और जो ईजी आया है,
तो क्या होंगे उस तरह से कि एसएससी शिफ्ट वाइज अगर करती है नॉर्मलाइजेशन, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस यहाँ पे जो मार्क्स होंगे नॉर्मलाइजेशन बढ़ेंगे, यहाँ पे कम बढ़ेगा और यहाँ पे ना के बराबर बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि इसको बेनिफिट मिलने वाले हैं किस तरह से। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि देखो किसी के ऐसे कंडीशन से, देखो जैसे अब मान लीजिए कि किसी ने है ना किसी के मार्क्स 68 आ रहे हैं। अब 68 कैसे आ रहे हैं समझना चाहिए इसको, कि किसी ने क्या किया है कि अपने मतलब उसने कितना अटेम्प्ट किया है तो मैं बताता हूँ। देखो अब उसने अटेम्प्ट किया है लगभग उससे 70 सही हो रहे हैं, ठीक है, और आपका जो हो रहा है 8 गलत हो रहे हैं, यानी 78 उसने अटेम्प्ट किया, ठीक है, समझिए कैसे इसको गौर से, कि 78 उसने अटेम्प्ट किया है और 70 सही हो रहे हैं 8 गलत हो रहे हैं, तो 0.5 के अनुसार क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से कट जाएगा और 68 मिलेगा। दूसरा मान लीजिए किसी को 68 आ रहा है, कैसे 68 आ रहा है ये मैं बताता हूँ। देखो किसी ने क्या किया है, 71 किसी का सही हो रहे हैं और 12 उसके गलत हो रहे हैं, यानी अटेम्प्ट किया क्या है, देखो यहाँ पे उसने 78 अटेम्प्ट किया, यहाँ पे उसने कितने अटेम्प्ट किए हैं, तो यहाँ पे उसने अटेम्प्ट किया है आपका देखो ये 83 अटेम्प्ट किया, ठीक है दोस्तों, ये 83 अटेम्प्ट करके भी 68 ला रहा है, या 78 अटेम्प्ट करके भी 68 ला रहा है, रीज़न क्या है वो समझते हैं। यहाँ पे इसने 12 गलतियाँ किया और 71 सही किया, तो यहाँ से इसके कट गए 4 थी 12, ये 68 हो गया, और यहाँ पे इसने 78 किए तो उसमें 8 गलती है, 2 मतलब 2 उसके कट गए तो आ गया 68। अब देखो दोस्तों यहाँ पे दोनों के दोनों 68 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट किसको होगा नॉर्मलाइजेशन में, बेनिफिट डेफिनेटली इसको होने वाला है दोस्तों। क्यों होने वाला है, कि इसकी देखो मार्क्स तो दोनों इक्वल है, लेकिन इसकी गलतियाँ इससे कम है, यानी इसकी जो गलतियाँ हैं इससे कम है, तो नॉर्मलाइजेशन में ये बेनिफिट होता है। इसलिए मैं हमेशा मैं अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ अधिकांशतः, कि अगर आप पेपर में 75 टच कर चुके हो तो उसके बाद ऊपर अपनी नेगेटिव लेने के चांसेस नहीं है, मत लो। हाँ उसके नीचे चले गए, जैसे मान लो कोई 60 मार रहा है ना, 50 मार रहा, तो थोड़ी बहुत निगेटिव ले सकते हो कि आप ऊपर जा रहे हो, बट 75 के बाद आपको निगेटिव लेने की चांसेस नहीं है, लेने ही नहीं है। उसके बाद आपको आता है तो मारो, सही नहीं आता तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, दरकार नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे नॉर्मलाइजेशन बनते दोस्तों। अब यहाँ पे देखो कि मैंने कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखा भी फिलहाल, जो कि मैंने रखा है सिर्फ स्टेट वाइज, कंट्रीज वाइज देखा है कि कितने जाने वाले कट ऑफ। इसका नेक्स्ट वीडियो में आपका फीमेल मेल का अलग अलग बना दूंगा और स्टेट वाइज भी बना दूंगा, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, रिक्वेस्ट क्या है कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर सब बताना कि जो फीमेल हो मेल हो किस कैटेगरी से हो, एससी एसटी ओबीसी जनरल, आप एक काम करोगे सब जल्दी से जल्दी अटेंडर बताना, कैटेगरी बताना और मेल और फीमेल बताना, और स्टेट भी जरूर बताना, ताकि मुझे एक आंकड़ा मिल जाए दोस्तों कि हम स्टेट वाइज आपको कट ऑफ दे सके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक जनरल सा कट ऑफ क्या लिया वो देखिए, हमने यहाँ पे जो कट ऑफ लिया वो क्या है कुछ ऐसे कि देखो इस पर जो जनरल का कट ऑफ रहने वाले दोस्तों, 71 से 76 रहने वाला, 71 से 76 जनरल का कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। ईबीसी हमारा 69 से 74 हो सकता है, ओबीसी हमारा 68 से 73 हो सकता है, एससी हमारे 60 से 65 रह सकते हैं, एसटी 55 से 60 हो सकता है, और एक्स सर्विस मैन का दोस्तों ये जो है 58, ये 58 ना होकर के 59 से 64 के बीच रह सकता है, ऐसे आपके जा सकते हैं इस बार तो, ठीक है। हमने यहाँ पे आपको बताया है, इसके बाद आप जैसे ही मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप अटेम्प्ट लिखोगे, अपना कैटेगरी लिखोगे और स्टेट लिखोगे, तो मुझे और भी ज़्यादा सहूलियत होगा, मैं स्टेट वाइज कटअप आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगी और आप मेरी रिक्वेस्ट जो मैंने आपसे किया उसके आप मान जरूर रखोगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।